नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है एमएम थ्रेड के विषय में। ठीक है, मैंने आपको पीछे इंच के विषय में बताया था, इंच के थ्रेड के विषय में, इस बार एमएम के विषय में बताएंगे। और राजकोट के मशीन के ऊपर आपको बताऊँगा कि एमएम का थ्रेड कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो काफ़ी आसान है, हमेशा आसान ही मैं करके समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। मेरी कोशिश ये है, वन बाय वन स्टेप बताऊंगा कौन सा गियर कहाँ लगेगा, कौन सा गियर कहाँ चेंज होगा, और फिर उसके बाद मैं आपको लेथ के ऊपर थ्रेड काट कर एमएम का मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि मेरे हाथ में आप देखिए ये नट है। ठीक है, ये एमएम का नट है। ठीक है, और इसके अंदर चार चूड़ी है, एमएम का चार चूड़ी है। और इस नट को मैं डाई पे काट के चढ़ा कर आपको दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं सीधा लेथ मशीन के ऊपर। तो फाइनली दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने राजकोट मशीन के ऊपर। ठीक है, और इसके ऊपर हम आज आपको जो नट दिखाया है वो नट के लिए जो चूड़ी है उस सापट के ऊपर डालेंगे और आपको चढ़ा के दिखाएंगे एमएम का मैट्रिक थ्रेड। ठीक है, तो कौन कौन सा गियर हमें चेंज करना है वो हम जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं मशीन पे गियर सेटिंग का सिस्टम। ठीक है, तो पहले हम चार्ट पे आते हैं। ये जो हमारा चार्ट है आप देखिए, मैंने आपको पहले भी शायद बता रखा है कि मारुति की है ये कंपनी जिसने डेवलप किया हुआ है। और हमें आज जो मैंने पिछले वीडियो में आपको चार्ट के विषय में समझाया था, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल ही आपको मैं क्लियर करके चलता हूँ। ये देखिए, पिछली बार मैंने आपको जो बताया था ये इंच का बताया था। ठीक है, इस बार मैं आपको बताऊँगा थ्रेड का। ये जो येलो कलर में है, पीले कलर में है, ये दे रहा है ना थ्रेड पिच इन एमएम। ठीक है, तो इसके विषय में हम आज आपको ये जो पीले वाले है, इस पीले वाले कलर में मैं आपको, जिस पिछली बार मैंने हरे वाले कलर का और इंच का चूड़ी काट कर दिखाया था, इस बार मैं पीले वाले में काट कर दिखाता हूँ जो कि एमएम का है। ठीक है, और एमएम में हम काटेंगे आज जो हमारा चूड़ी रहेगा चार चूड़ी। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए, चार चूड़ी हमें काटना है। तो देखिए यहाँ पर चार चूड़ी है, आप ठीक से देख पा रहे होंगे, ये जो पीले कलर में है ये चार चूड़ी है। ठीक है, इसमें है जैसे आठ है, चार है, दो है, एक है और 0.5 है। ठीक है, तो इनमें से हमें ये चार चूड़ी काटना है। तो इस चार चूड़ी का जो सेटिंग आएगा वो बी है और सी है। ठीक है, या बी पे। ठीक है, तो बहुत आसानी से हम इसको सेट करेंगे। और इसका जो गियर होगा, जो गियर लगेगा थोड़ा सा ऊपर, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो इंच वाला था उसमें लगता है गियर कितना 33, और इसमें कितना लगेगा 88, और ये जो एमएम में लगेगा ऊपर 39 और नीचे 88। तो इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे और देख लेते हैं कौन कौन सा गियर है पहले। तो पहले हम बाहर का गियर देखते हैं, इसको हटा लेते हैं और आइए यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने गियर ऊपर लगाया है, मैं आपको बता दूँ ये गियर जो है ये 39 का है, 39। ठीक है, 39 दांते का गियर है। ये जो दांता इसमें कटा हुआ है 1 2 3 4 5 6 करके, ये 39, तो 39 जो है हमारा ये 39 का गियर है। ठीक है, और ये जो नीचे वाला आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान से, ये जो नीचे वाला जो लगा हुआ है ये गियर, ये हमारा 88 का है। ठीक है, 88। ठीक, और ऊपर 39 और नीचे 88। ठीक है, तो ये हमारा जो उसमें येलो कलर में दिया हुआ था वो है, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। अब इसे करते हैं हम बंद। तो जो हमने 88 आपको गियर दिखाया वो ये है, और जो 39 गियर दिखाया इसके ऊपर ये है, यानी पी 39 ऊपर वाला और एस 88 नीचे वाला। ठीक है, अब ये आता है नंबर लीवर का। तो लीवर हमारा क्या है, चार का बी और सी। तो यहाँ देखिए, थोड़ा ध्यान दे दीजिए, नीचे मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ दे रहा है ना ए बी सी और डी। ठीक है, तो हमें करना है इसको, ये जो हमारा है एक साइड बी करना है और एक साइड सी करना है। ठीक है, तो ये हमने बी पे कर दिया है। देखिए ये जो एरो बता रहा है आपका कि हमारा बी पर है, और ये वाला इसमें का निकल चुका है, तो कोई बात नहीं, नीचे जो सी का सिग्नल दिखा रहा है यहाँ पे, सी की तरफ हमने इसको कर दिया है। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है। और ये जो हमारा यहाँ पे है, ये जो लीवर है, इसको हमें करना था कितने पे, चार्ट पे हमने कितना बताया था आपको, एक पर। ठीक है, वो देख दिखा देते हैं हम आपको पहले, आइए देखिए, ये देखिए चार वाला सीधा एक के ऊपर है। ठीक है, तो ये लीवर जो हमारा है एक के ऊपर आएगा, तो लीवर हमारा कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो ये जो एरो का निशान है आप इसको एक पे सेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम आ चुके हैं अपने मशीन पे, और ये एक सापट बांधी हुई है, इसके ऊपर हम आप काट कर दिखाएंगे। तो पहले इसका साइज़ हम चेक कर लेते हैं कितना है,
ये आ रहा है 39, ठीक है, ये 39 का है, और हमें इसको बनाना है इसका डाया 36 का, ठीक है, 36 का है होगा, और 36 का पहले बना लेते हैं, फिर इसके ऊपर काटेंगे चूड़ी। तो आप देखिए, अब मैं पहले डाया टर्निंग कर रहा हूँ, पहले डाया टर्निंग कर लेता हूँ, इसका साइज बनाना है मुझे 36 का, और उसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे चूड़ी। तो मैंने चालू इसको बना दिया है, ठीक है, ये देखिए, ये मैंने 36 का बना दिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें थ्रेड डालना है, तो थ्रेड डालने के लिए हमें वाइट बीट का इस्तेमाल किया है, आप यहाँ पे देखिए वाइट बीट हमने बना लिया है, और अब इसके ऊपर हम डालेंगे 4 mm का जो चूड़ी है, 4 पीच वाला जो mm में आता है, वो चूड़ी हम इसके ऊपर डालेंगे और डाल के नट चढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहले हम चूड़ी डाल लेते हैं, अब जो हम थ्रेड काटेंगे, अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो थ्रेड इसके ऊपर डलेगा 4 mm का है, ठीक है, तो 4 mm अगर आप नट चढ़ा रहे हैं, तो 4 mm ही आपको इसका डाया प्लस रखना पड़ता है, ये नोट करिएगा बात को, मैं आपको बताता चल रहा हूँ। अगर आप नट बना रहे हैं तो माइनस रखना है, और नट आपको डाया के ऊपर चढ़ाना है तो 4 mm प्लस रखना है, यानी कि इसकी गहराई, ठीक है। तो आइए काटते हैं हम चूड़ी। तो फाइनली दोस्तों देखिए कितना बेहतर चूड़ी कटा हुआ है, और मैं आपको बता दूं, कभी भी चूड़ी काटिए तो ये गेज से इसमें ऐसे लगाते हैं, ऐसे डेप्थ गेज, सॉरी डेप्थ गेज बोल रहा हूँ, ऐसे गेज को इसका डेप्थ चेक कर सकते हैं कि हमारा बराबर है या नहीं, ठीक है। बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे यहाँ से, ऐसे ये ऐसे उठा के आप जब आगे पीछे डालिएगा तो बिल्कुल ही बराबर बैठेगा, इसका मतलब है कि ये हमारा बिल्कुल ही सही है। देखिए दिख रहा है आपको, ये देखिए कहीं भी डालिएगा, ये देखिए, ये देखिए, ये सही है। तो आइए फाइनल कट लगा के और उसके बाद हम चेक करेंगे। तो ये दोस्तों हमारा फाइनल जा रहा है, और देखते हैं फाइनल के बाद कि हमारा थ्रेड सही कटा है या नहीं, इसको हम चेक करेंगे, और ये नट को हम चढ़ा के देखते हैं इसके ऊपर कि ये चढ़ता है या नहीं। तो फ्रेंड ये हमारा नट जो मैंने आपको फर्स्ट में दिखाया था, इस नट को अब हमारा नंबर आ गया है इसके ऊपर चढ़ा के देखने का। तो आइए चेक करते हैं कि हमारा ये सही चढ़ा है, सही कटा है या नहीं कटा है, ठीक है। तो हमने इसमें फंसा तो दिया और ये चल रही है, इसका मतलब कि ये चढ़ जाएगा, लग रहा है ये चढ़ जाएगा। और ये देखिए, ये देखिए, देखिए कितना फिक्स है, दिख रहा है एकदम, इसको बोलते हैं 0-0 चूड़ी काटना। ये देखिए दिख रहा है ना, ज़रा सा भी वो नहीं, ये देखिए, और ये हमारा लग रहा है चढ़ जाएगा, ये देखिए, ये देखिए चढ़ गया बिल्कुल ही आसानी से, ये देखिए ये निकल के आया अब हमारा बाहर, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा मैंने इस नट को 4 mm का चूड़ी, 4 mm का चूड़ी कितने आसानी से काट के चढ़ाया, और आपको सेटिंग भी बताया 1x1। तो कहीं आप फंसते हो तो आप पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा और अपना काम आसानी से करिएगा। और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना है। फिर मिलेंगे ऐसे किसी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।